जुबान की अगर हम बात करें तो जुबान कैसे मिली आप लोगों को, क्या मतलब कुछ ऑडिशन देना पड़ा क्योंकि वो जो अकलानी का जो कैरेक्टर आप कहते हैं ये सब कुछ कैसे मतलब कैसे ऑडिशन हुआ था मेरा? मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था मुकेश छाबड़ा जी जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने बुलाया और मोसेस सिंह हमारे डायरेक्टर खुद ऑडिशन ले रहे थे, मुझसे कुछ सीन्स करवाए गए, मैंने वो सीन्स किए एंड लगभग मुझे 6-7 दिन रोज़ बुलाया जाता था सीन्स करने के लिए। मैं रोज़ ऑडिशन देता था, कई बार इम्प्रोवाइज़ करना होता था, कई बार सीन्स परफॉर्म करने होते थे तो करता था। एंड लास्टली मेरा और सहरा का इकट्ठे फोटोशूट हुआ था, सहरा ऑलरेडी लॉक थी पार्ट के लिए, मैं नहीं था, तो फोटोशूट हुआ एंड देन फोटोशूट के बाद तकरीबन 7-8 दिनों के बाद ऑडिशन चला मेरा 7-8 दिन, उसके बाद मुझे मोसेस ने बुलाया एंड ही टोल्ड मी कि आप लॉक हो चुके हो उस पार्ट के लिए। बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा क्योंकि जुबान मेरी पहली फिल्म थी एज अ लीड जो मुझे मिली एंड अच्छा लगा था, कुछ नया हुआ था लाइफ में और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो इस तरीके से मुझे जुबान मिली थी। बहुत माहिर है ये। मैंने भी ऑडिशन दी थी और एक्चुअली मैं सबसे पहली कास्ट हुई थी। मुकेश छाबड़ा जी जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने फ़ोन किया था, उन्होंने कहा था कि ऑडिशन हो रही है आ जाओ, मैंने ऑडिशन कर ली एंड आई गॉट द पार्ट लाइक द नेक्स्ट डे आई थिंक। 24 घंटे में बताओ, हम यहाँ 7-7 दिन मेहनत करते रहे। मेरा कैरेक्टर पंजाब से बिलोंग करता है, पंजाब के गांव से, तो मैं पंजाबी फैमिली को बिलोंग करता हूँ, पंजाबी घर पे बोलता हूँ तो कल्चर से वाकिफ़ था, भाषा से वाकिफ़ था, तो वो चीज़ें ठीक थी बट कुछ कुछ चीज़ें थी जिनको ध्यान रखना था। वो उसकी जैसे म्यूज़िक से भागता है, म्यूज़िक से दूर भागता है, डरता है, तो मैं ऐसे निजी ज़िंदगी में किसी को नहीं जानता जो म्यूज़िक से डरता हो, कोई कौन डरता है म्यूज़िक से, कोई भी नहीं डरता, तो वो एक समझना बहुत एक चैलेंज था। उसके बाद में जैसे कि आपने मेंशन किया हकलाना, वो एक नई चीज़ थी जो सीखनी थी और बहुत सिंसियरली परफॉर्म करनी थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उसके लिए एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाकर उनसे ट्रेनिंग लेकर उनसे एक रिवर्स मोड में कुछ सीखना, उनके पेशेंट से बातचीत करना, उनसे बहुत कुछ सीखना, उनके साथ रीडिंग सेशंस रखना क्योंकि वो रोज़ किसी ना किसी को हकलाते हुए सुनते थे, तो उनसे एक वैलिडेशन लेना कि हाँ तुम नेचुरल साउंड कर रहे हो, तो उनके साथ काफ़ी समय बिताना पड़ा था एंड मैं निजी ज़िंदगी में भी हकलाने लग गया था कि ताकि वो एक सेकंड नेचर बन जाए, तो वो सब एक प्रोसेस था, एक 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 होमवर्क करना ही पड़ता है हर एक्टर को अपने रोल के लिए, तो उस तरीके का एक होमवर्क था पर एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस था कि आपको लगता है कि यही चीज़ चैलेंजिंग होती पर यही चीज़ आपको एक सेटिस्फैक्शन भी देती है कि हाँ एज एन एक्टर कुछ नया करने को मिला, नया सीखने को मिला, तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था ये पूरा। हाँ, अमीरा एक्चुअली इस फिल्म की म्यूज़िक है, इस फिल्म की सनशाइन गर्ल है और अमीरा एक म्यूजिशियन है फिल्म में जो मैं भी हूँ रियल लाइफ में, और अमीरा की ज़िंदगी में म्यूज़िक ही सब कुछ है और जब वो दिलशेर से मिलती है वो बहुत हैरानगी से आई थिंक शी इज़ रियली शॉक्ड एट हाउ शी कैन मीट समबडी हू डज़न्ट लाइक म्यूज़िक और डज नॉट जस्ट डजन लाइक हेट्स इट एंड रन्स अवे फ्रॉम इट एंड उन दोनों के बीच में आई थिंक दिस इट्स अ रियली स्पेशल बॉन्ड बिकॉज दे कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लिटरली एंड हाउ दे सॉर्ट ऑफ कम टुगेदर एंड फॉल इन लव थ्रू म्यूजिक दैट्स प्रीटी मच व्हाट अमीराज जॉब इज इन द फिल्म। बहुत अच्छा था ये मेरा पहला गाना है जो एक लिपसिंग सॉन्ग और एज ए परफॉर्मर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो हमेशा एज एन एक्टर सपना देखा था कि ऐसे मैं भी गाऊँगा, तो वो सपना मेरा पूरा हुआ इस गाने से, आज सानू वो मिला है। बहुत खूबसूरत गाना है, पंजाबी में है गाना, बहुत खूबसूरत लिरिक्स है, सुरजीत पात्र जी पंजाबी लिटरेचर में बहुत उनकी अहमियत है तो उन्होंने ये गाना लिखा है, और किला रायपुर एक गांव है लुधियाना के पास, उनके उस उनके घरों के छतों पर हमने शूट किया, तो बहुत ही अच्छा एक मेले जैसा एक माहौल बन गया था, पूरा गांव हमें सपोर्ट कर रहा था, तो बहुत प्यार मिला, बहुत मज़ा आया शूटिंग में, बहुत गर्मी में शूट की थी, पंजाब के मई की गर्मी में बता 42-44 डिग्री सेल्सियस, तो पर अच्छा लगा क्योंकि जब आप बाद में वो गाना देखते हैं, विजुअल्स देखते हैं तो बहुत उभर के आए हैं वो विजुअल्स, रंग रूप गाना म्यूज़िक सब कुछ, तो अच्छा लगता है
कि ये लोग भी पसंद कर रहे हैं। ये दिन ढेर से जादुओं के फेर से है नियामा, रखे तुझे सलामत, रखे तुझे सदा सलामत। म्यूजिक इज माय आर्ट, म्यूजिक इज माय होम, म्यूजिक इज माय आर्ट, म्यूजिक इज यू एंड मी अलोन।